धूमधाम से मनाया गया जेपी का 119वां जन्मदिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। खबर बलिया से है, जहां यूपी बिहार की सीमा स्थित सिताब दियारा के लाला टोला में संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती पर उनके पैतृक गांव जयप्रकाश नगर में धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में विभिन्न पार्टियों के नेताओं और जनता के जेपी के गाँव पहुँच कर उन्हें याद किया। नेताओं ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बीजेपी नेता साकेत सिंह सोनू ने बताया कि बिहार यूपी की जनता और नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं वो। हर साल यहां महाउत्सव और महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान सपा नेता मुन्ना यादव ने बीजेपी को घेरते हुए सड़क पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि ये लोग अगर जेपी जी को मानते तो कम से कम उनके गाँव तक सड़क जरूर बनवा देते। ये थे हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की खास रिपोर्ट। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जाती है, और यह मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार के, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के जनता के लिए और नौजवानों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो एक महाउत्सव और महोत्सव के स्वरूप में इसको मनाया जाता है, और उसी क्रम में आज इनके इस स्थल पर जो है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के तमाम समाजसेवी आते हैं और इस स्थल को जो है नमन करने के लिए यहाँ पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इससे पहले मैं जेपी जी की मूर्ति बजाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर जेपी जी की सपना ये वर्तमान सरकार पूरा की होती तो आप देख रहे हैं, ये एनएच को तो छोड़ दीजिए, कम से कम एनएच से जो जयप्रकाश नगर की धरती पर जो जेपी जी की ट्रस्ट पर जो रास्ता आता है, थोड़ा सा भी अगर नैतिकता शर्म बची रहती तो कम से कम ये रोड बनाने का ये लोग काम करते, और झूठे यहाँ आकर फूल माला चढ़ाने से जेपी जी के रास्ते पर आप नहीं चल सकते। कम से कम इस रास्ता को तो इस सरकार को बनवा देना चाहिए, इसी रास्ते से सभी लोग को आना है। और जो महान नेता है हम लोग के, मतलब जननायक थे, जिनके आदर्शों पर हम लोग चलने का काम करते हैं, वहाँ आने में इतना लोगों को कठिनाई होती है। और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मुद्दाएँ तो बहुत है, लेकिन कम से कम इस रास्ता को ये वर्तमान निकम्मी सरकार को जरूर बनवा देना चाहिए। अच्छा, जगह